कानपुर देहात के कस्बा झिझक में हुआ भीम आर्मी कार्यालय का उद्घाटन। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने फीता काटकर और जय भीम का उद्घोष कर किया शुभारंभ। काफी संख्या में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी रहे मौजूद। भीम आर्मी पदाधिकारियों ने भारी भरकम माला पहनाकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान किया। विनय रतन जी ने कहा, कोई भी शोषित पीड़ित व्यक्ति अपने जिला कार्यालय में दर्ज कराए समस्या, भीम आर्मी आपके साथ खड़ी है। साथ ही भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने ग्राम मुंडेरा किन्नर सिंह और लवा कापुरवा में किया बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण। साथ ही भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार के निजीकरण का भी विरोध किया। कानपुर देहात जिलाध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि हम पीड़ितों का शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे, भीम आर्मी न्याय दिलाने का कार्य करेगी। कानपुर देहात से सागर भारती की रिपोर्ट। साथियों, आज मैं हूं कानपुर देहात में के अंदर, जहां पर माननीय हमारे जिलाध्यक्ष सुनील यादव जी, हमारे मंडल अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र जी और कानपुर से आए हमारे जिलाध्यक्ष कौशल वाल्मीकि जी और हमारे डॉक्टर नंदा लोधी जी और तमाम पार्टी के प्रभारी भी, हमारे राजकुमार गौतम जी, हमारे पटेल साहब और तमाम साथी जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उनकी अगुवाई में आज देहात कानपुर देहात के जिला कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। साथियों, ये कार्यालय जिस पर भी सूचना पहुंच रही हो, खासतौर से कानपुर देहात के लोगों पर, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी, कार्यालय पर आएँ, अपनी लिखित शिकायत यहाँ पर दर्ज कराएँ, आपकी शिकायतों पर भीम आर्मी काम करेगी। और मैं उन लोगों को बता दूँ जो देश को बेचने की ओर लेकर के जा रहे हैं कि ये भीम आर्मी का कार्यालय संविधान की रक्षा का कार्यालय है, जब जब संविधान पर आ जाएगी तो भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता बंदूक की गोली से तेज निकल करके काम करेगा संविधान की रक्षा के लिए। मैं ये भी बता दूं कि जिस प्रकार से तुम लोग पूरे देश के अंदर मनुस्मृति पर आधारित कोर्ट की स्थापना लगातार किए जा रहे हो, अब भीम आर्मी तुम्हें बताएगी कि लोगों को न्याय कैसे दिलाया जाता है। भीम आर्मी गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अपने कार्यालय बनाएगी, विधानसभा के कार्यालय बनाएगी, ब्लॉक के कार्यालय बनाएगी, जिले के ग्राम के सभी कार्यालय भीम आर्मी ने घोषणा कर दिए कार्यालय बनाने की। पूरे देश में जिसे जो शिकायत हो वहाँ कार्यालय पर जाएं, अपनी शिकायत रिटर्न दर्ज कराएं, वहाँ से जिस विभाग का जो मामला होगा उस विभाग को सौंपा जाएगा और बताया जाएगा कि देश में जो कानून व्यवस्था है वो कानूनी तरीके से चलेगी, किसी गंदे दलाल नेता के हिसाब से व्यवस्था नहीं चलेगी। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आज तमाम घटनाएं हो रही हैं, अभी औरैया में घटना घटी, मैनपुरी में घटना घटी, इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भी हम लोग अब लगातार भीम आर्मी के लोग कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। वो सरकार, वो नेता जो निरंकुश देश में हो गए हैं उन पर भी अब ये कार्यालय लगाम लगाने का काम करेंगे। ये केंद्र होगा भीम आर्मी का, कोई भी बात होगी इन कार्यालयों से चलेगी पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ। ये कार्यालय संविधान की रक्षा के लिए बनाया गया है, लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, न्याय स्थापित करने के लिए बनाया गया है, समता समानता की आवाज़ उठाने वालों के लिए बनाया गया है। तो सब लोग जो पीड़ित हैं वो इस कार्यालय पर कभी भी आ सकते हैं। आप सभी